इंतजार की घड़ियां होगी खत्म क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का मेला सच चुकी और आज पहले ही मुकाबले में USA ने कनाडा को शिकस्त देकर फातेहाना आगाज कर दिया। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि क्रिकेट फैंस के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, जिनके बुरी खबर भी हो सकती है, वो ये है कि वर्ल्ड कप T20 2024 का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और अहम तरीन मुकाबला पाक भारत टाकरा दोस्तों खतरे में नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बताते चले, और आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप का जो कि बड़ा अहम मुकाबला पाक भारत जो कि 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा, और सबकी नज़रें इस मुकाबले के ऊपर हैं कि कौन किस दिन ये मुकाबला होगा और फैन इस मैच को एंजॉय कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि पहली मरतबा अमेरिका में ये वाला वर्ल्ड कप हो रहा है और पहली मरतबा पाकिस्तान टीम अमेरिका की सरजमीन पर, यानी कि वर्ल्ड कप बल्कि पूरी दुनिया की टीमें अमेरिका की सरजमीन पर वर्ल्ड कप खेल रही हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या है दोस्तों कि आपको पता है कि पाकिस्तान के भाग मुकाबला जो हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, बहुत बड़ा मुकाबला होता है और पूरी दुनिया इस मुकाबले को देख रही होती है। लेकिन साथ ही साथ क्या है दोस्तों कि इस मुकाबले के ऊपर दहशतगर्दी का ख़तरा है और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इस मुकाबले को बहुत ज़्यादा खतरात लाक हैं, यानी कि इस मुकाबले की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का खतरा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने यानी कि इस मुकाबले की वजह से अपनी सिक्योरिटी सख्त कर दी है, बढ़ा दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मुकाबले को कहीं ना वहाँ पर कोई दहशतगर्द जाए, कोई ना कोई नुकसान हो जाए, जिसकी वजह से ये वाला मुकाबला मुलतवी जाए या फिर इस वजह से कोई और बड़ा नुकसान का खतरा। इसलिए आज से बड़ी मेरे ख्याल में अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कंट्री अमेरिका बहुत ज़्यादा मजबूत कंट्री है और वहाँ पर ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको पता है कि दहशतगर्दों का कोई पता नहीं है, वो किसी भी बात यानी कि दुश्मन वार कर सकते हैं। इसलिए आज से रिपोर्ट सामने आ रही है कि ICC भी थोड़ा बहुत परेशान है कि अगर कोई ऐसा वाकया हो गया तो फिर आगे क्या होगा, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा कोई वाकया पेश ना हो और ये वाला मुकाबले बल्कि पूरा वर्ल्ड कप T20 खैर खरियत से गुजर जाए। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।